गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। स्किन हमारी जलने लगती है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है और एलर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेड नज़र आती है और स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। फिर इसके ऊपर आप कुछ भी लगाना चाहें वो और ज़्यादा परमानेंट होते जाते हैं तो आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ओपन पोर्स आपकी बहुत ज़्यादा परमानेंट शो होना शुरू हो जाती है, स्किन आपकी डल हो जाती है, कलर एकदम से आपका डार्क हो जाता है। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो वॉच करनी है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ऑल प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जो आपकी स्किन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा। आपके समर जो है, समर वेकेशन या समर के जितने भी इवेंट हैं आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे विद हेल्दी एंड नीट एंड क्लीन स्किन के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने लिया है राइस फ्लावर, तो 1 टेबल स्पून ऑफ हमने लिया है राइस फ्लावर, चावलों का आटा। देन मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन, फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी टर्मेरिक, देन हम इसमें ऐड करेंगे प्योर ग्रेसलीन। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक अच्छा सा फेस पैक बनाएंगे जो हमारी स्किन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेगा, एक्ने नहीं होने देगा, एलर्जी नहीं होने देगा, जितनी भी आपकी स्किन जल रही है वो फ़ौरन से कूलेस्ट इफेक्ट देगा, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगी। अच्छे से 5 मिनट के लिए इसको रब करना है और फिर इसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें ड्राई होने के लिए। तो अब मैंने अपने हैंड पे इसको अप्लाई कर लिया है, मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, मेरा हैंड बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसको मैं वॉश करूँगी और आपको आफ्टर रिजल्ट दिखाऊँगी। मेरी स्किन पहले ही बहुत ज़्यादा फेयर है क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें जितनी भी आपको बताती हूँ मैं खुद ये करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फेयर है। तो आपको इतना क्लियरली रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा, बट जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी स्किन पे रिज़ल्ट फील करेंगे। तो मुझे फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इससे पहले मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आप अपने हाथों की मेहंदी को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, तो वो मैंने रिमूव करके दिखाई भी है लाइव रिजल्ट, तो काइंडली उसको भी वॉच करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।